आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। कानपुर देहात के कस्बा डेरापुर में आदिकाल से चल रही बाल कलाकारी की प्राचीन रामलीला का पारंपरिक तरीके से आयोजन किया जाता है। समय के साथ डेरापुर में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा बड़ी रामलीला का भी आयोजन, मेले का आयोजन, साथ ही पूर्वजों की परंपराओं का निर्वाहन करते हुए बाल कलाकारों के द्वारा प्राचीन रामलीला का आयोजन भी होता है। प्राचीन काल में संसाधनों की कमी थी तो कस्बे के लोग यथासंभव संसाधन जुड़ पाते थे, रामलीला का मंचन भी करते थे। इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कस्बे के लोग आज भी प्राचीन रामलीला का मंचन करते हैं। इस प्रकार डेरापुर में दो रामलीला होती है, एक रामलीला कस्बे के ही बाल कलाकार प्राचीन रामलीला का मंचन करते हैं तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। आपका नाम? हम मनोज कुमार मिश्रा डेरापुर कस्बा के निवासी हैं और राम जानकी मंदिर के पास ही मेरा घर है। मनोज जी, ये जो प्राचीन रामलीला यहाँ डेरापुर में होती है, जो राम जानकी मंदिर में मूर्तियाँ सुसज्जित की जाती हैं बाल कलाकारों के द्वारा, होता है ये आयोजन, तो इसके विषय में बताइए। इसके विषय में थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा। पहले शुरुआत बताते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिससे कि जुड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, व्यक्तियों का व्यक्ति से जुड़ा हो। तो बड़े बड़े बुजुर्गों ने, बड़े बड़े जो ज्ञानी पुरुष थे, महात्मा लोगों थे, उन्होंने नई चीज़ सोची कि क्यों ना धर्म को और एकता को एक साथ जोड़े। तो वो धर्म और एकता के लिए सबसे अच्छा साधन मिला रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर एक पात्र ने अपनी एक से एक अच्छी भूमिका दी है और जीवन जीने की कला बताई कैसे जीवन जीना चाहिए। ये निर्भर नहीं करता कि उसने आचरण कैसे किए कि नहीं किए, लेकिन ये दिखाता है रामचरितमानस कि हमको जीवन में कैसा करना चाहिए। और राम भगवान के जो चरितार्थ हुए वो सभी देश में कोने कोने में फैलाए गए। तो ये जो डेरापुर की रामलीला है, प्राचीन रामलीला, ये बहुत पुरानी है, बाल कलाकारों के द्वारा की जाती है। ये लगभग मान लो अंग्रेजों के जमाने की है और डेरापुर के ही कलाकार इसको करते थे, जो आज प्राचीन रामलीला कही जा रही है। ये प्राचीन रामलीला ही पुरानी है, इस प्राचीन रामलीला में डेरापुर से चुने जाते थे। तो मनोज जी सुना है कि जब आप भी छोटे थे, करीब ऐसे ही 10 साल की आपकी अवस्था रही होगी, तो आप भी इसमें लक्ष्मण का अभिनय करते थे। हाँ, हमने अब तुमको थोड़ा बताते हैं कि जब बहुत छोटे थे तो मुझे पालकी में बैठने का बहुत शौक होता था कि जब अब तो कार आर रहे नहीं, पहले कार लोग पालकी उठाते थे और पालकी उठा कर चलते थे, तो मैं छोटा था, रो रहा था कि मुझको सीते बना लो, अरे छोटे सही तो सीते बना लो। तो वो संदीप भैया थे, तो उन्होंने कहा अभी यार ननोनी तुम छोटे हो, सीता ना लो, 2-3 साल रुको, सीधे तुम लक्ष्मण बनोगे। तो हमने चलो इंतजार का फल मीठा होता है, सीता से लक्ष्मण बन जाएंगे। तो अब इसके बाद सबसे पहली हमारी जोड़ी हुई है रंजन सर के साथ है, जो इस समय वीडियोग्राफी कर रहे हैं। रंजन सर राम बने थे, मैं लक्ष्मण हुआ, तो हम लोगों की राम लक्ष्मण की जोड़ी सबसे बेस्ट जोड़ी थी, उसमें सीता बनी थी रानू पाड़े। आपके आपका घर का नाम, आप घर में सब लोग ललोनी कहते हैं? हाँ, ललोनी कहते हैं। शुभ नाम मनोज कुमार है। आवाज़ न्यूज़ को समय देने के लिए मनोज जी धन्यवाद। जय हिंद।